इलाही वहम के बने फातिमा हम पर मौले ईमा को नम खातिमा गर दावत गर पुनी वर कबूल मनो दस्तगा माने आले रसूल इन अल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लुना अला नबी या अय्युहल लजीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला। पहली तारीख से लेकर अब तक आप अलग अलग अंदाज में अलग अलग वाकयात करबला फजाइल शहदाए करबला फजाइल अहले बैत अलग अलग मुकर्रबीन से और खुतबा से अब तक समाज कर रहे हैं, उसी कड़ी में मैं भी शामिल हूँ। उम्मीद करता हूँ के चंद लम्हात के लिए मुझे आप कबूल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज्यादा आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। मुबारक साथ हैं, ये बड़े मुकद्दस लम्हात हैं जिन लम्हात में हम जिन मिनटों और सेकेंडों में हम अपनी जिंदगी की खुराफात से निकलकर गुनाहों से बाज आकर गीबत और चुगलखोरी की महफिलों को छोड़कर टीवी और मोबाइल और कंप्यूटर और इंटरनेट से हटकर करबला से अपने नेटवर्क को जोड़ जोड़ के बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस नेटवर्क को इस कनेक्शन को ताजिंदगी बरकरार रखे ताकि इस नेटवर्क की रोशनी इस कनेक्शन की रोशनी कब्र और हश्र में हमारे काम आ सके। और इसमें किसी का कोई शक नहीं है कि इनसे मोहब्बत करने पर इंसान की मौत भी आसान हो जाती है, कब्र भी मुनव्वर हो जाती है और जन्नत में भी अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों में जन्नत के सरदारों के सदके में हमको जरूर इंशाअल्लाह तआला दाखला नसीब फरमाएगा, क्योंकि जन्नत उनके नाना की है और वो रंगोती जवानों के सरदार हैं, उनकी बेटी रंगोती औरतों की सरदार है। तो फिर जब पूरा खानदान जन्नत का मालिक है, ताजु शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जितना चाहा दिया और दे रहे हैं। हजरत मोहतरम पूरी कायनात में बिलखसूस पूरी उम्मत में जिसको पूरे फजाइल और कमालात और मरातिब और इंसान को जो भी खूबियां आता हुई है उन खूबियों का मरकज है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। हुजूर तशरीफ न लाते तो न सिद्दीक अकबर हमें मिलते, न फारूक आजम मिलते, न उस्मान गनी मिलते, न मौला अली मिलते, न फातिमा मिलती, न हसनैन करीमैन की महफिल मिलती। हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर से जिसको जितनी ज्यादा मोहब्बत होती चली गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जितना ज्यादा करीब होता चला गया अल्लाह ने उसको उतना ही बड़ा मकाम अता फरमा लिया। फतेह मक्का का दिन है यानी मुहर्रम माहे रमजान की 20 तारीख है। फतेह मक्का को जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक्दस में खाने काबा की चाबियां मिली और चाबियां मिलने के बाद में जब हुजूर अंदर दाखिल हुए तो सरकार ने छड़ी से बुतों को नीचे गिराना शुरू कर दिया, तो 360 से ज्यादा बुत उसके अंदर रखे हुए थे, एक बुत थोड़ी सी ऊपर था। सरकार ने सिद्दीक अकबर से इरशाद फरमाया अबू बकर आओ हमारे कांधे पे सवार होके उस बुत को नीचे गिरा दो। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं मेरी जान 100 बार कुर्बान, मैं और मेरे नापाक कदम और आका का मुकद्दस कांधा हो नहीं सकता है आका, आपकी हुक्म अदूरी कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके कांधे पे चढ़ू 100 बार भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अजीज आने मोहतरम आका ने फरमाया उमर तुम आ जाओ, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, उस्मान तुम आ जाओ, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, मौलाए कायनात से फरमाया अली तुम आ जाओ, अली पहली बार में कांधे पर चले गए। जब हजरत अली कांधे पर सवार हुए तो हुजूर ने फरमाया ए अली कहां तक हाथ पहुंचा है, आपको भी सीढ़ी लगाने के बाद जब आपको सीढ़ी पर चढ़ा दिया हो तो आप
आदमी ऊपर नीचे जो खड़ा रहता है वो पूछता है हाथ पहुंचा के नहीं पहुंचा। मेरे आका ने तो यूं ही पूछ लिया था कि ए अली हाथ कहां तक पहुंचा है। गौर से सुन रहे, बात समझ में आ रही है ना। कहा कि ए अली हाथ कहां तक पहुंचा है, तो अर्ज करते हैं आका अगर इजाजत हो आप हुक्म दें तो अर्शे आजम को पकड़ के खींच लूं। अजीज आने मोहतरम हजरत अली साहब ने फरमाया नहीं, जिस काम के लिए आपको कांधे में चढ़ाया है उस बुद्ध को गिराने के लिए उसको नीचे गिरा दीजिए। अब यहाँ बात को रोक करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मौलाए कायनात दो मिनट के लिए मुश्किल से मेरे आका के कांधे पर चढ़े थे, दो मिनट से भी कम वक्त के लिए आका के कांधे पर हजरत अली ने अपना कदम रखा था, तो आका ने फरमाया कहाँ पहुंचे हो, तो अर्ज करते हैं अर्शे आजम तक पहुंच गया हूँ। तो जो अली चंद लम्हा कांधे पे आकर के अर्शे आजम तक जा सकता हो तो मेरा हुसैन तो मेरे नबी के कांधों पर 7 साल रहा है, आका ने कहाँ पहुंचा दिया होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अंदाजा नहीं लगा सकते हो। ये बताने का मकसद ये है कि हुजूर से जिसको जितनी ज्यादा निस्बत है अल्लाह की बारगाह में उतने ही बड़े मकाम और मर्तबे वाला है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सिर्फ या अली या अली या हुसैन का नारा लगाने से अल्लाह अल्लाह के नबी से निस्बत हो सकती है? हर दिन नहीं हो सकती है। अजीज आने मोहतरम, मैं शोहदाए करबला की याद मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ महफिल सजाएं और महफिल सजाने के बाद में फिर अपनी पुरानी जिंदगी में पहुंच जाएं। लेकिन मुझे किसी ने बताया और बताया कि हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में मैंने देखा है कि हर साल मुहर्रम की 12 तारीख को लोग ईजा मनाते हैं, कुरान खानी करते हैं, कई जगह तो चने भी पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके और मेरे हर घर में से किसी ना किसी का इंतकाल हुआ है, उसकी बरसी की फातिहा होती होगी, लेकिन मेरे और आपके अहले खानदान की सिर्फ बरसी की फातिहा होती है। मिसाल के तौर पर बकरा ईद के दिन किसी मेरे दादा नाना या किसी वालिद किसी का इंतकाल हुआ हो तो अगले साल बकरा ईद पर शाम को बरसी की फातिहा होती है। कि बरसी की फातिहा के बाद 12 तारीख को क्या वापस से ईदे की फातिहा होती है? कहोगे नहीं होती है। ऐसी बात करते हो, ईदे की फातिहा तो एक बार होती है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाप दादा की शान बड़ी है या मेरे इमाम हुसैन और हसन की शान बड़ी है? जब तुम्हारे और मेरे बाप दादा का ईदा हर साल नहीं होता है तो जो जिंदा है जिनकी जिंदगी का हुक्म कुरान देता है उनका ईदा मैं और आप कैसे मना सकते हैं? किसने कह दिया ईदा मनाने के लिए? ईदा मनाने का मतलब होता है मैयत मरने वाले के लिए इशारे सवाब करना, उसको बख्शिश की दुआ करना। अरे हुसैन का तो वो नाम है कि अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद में हम ये कहें होगा ये गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, लेकिन तेरी बारगाह में तेरे नबी के नवासों का वसीला देते हैं, उनके वसीले से इसको बख्श दे तो अल्लाह तबारक व तआला उन बख्शे हुए के सदके में हमारे मरहूम इनकी बख्श फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ये तीजा और दसवां कहां से आ गया? जब मेरे औलाद के वालिदैन अजीज वकारीब दोस्तों हम बाप दादा परदादा का तीजा हर साल नहीं होता है तो शोहदाए करबला जो थे हैं और रहेंगे बेशक और ऐसे जिंदा हैं कि चाहे तो अभी चले आए बेशक, चाहे तो घोड़े पे सवार हो गया जाए, चाहे तो रूहानी तौर पे आ जाए, जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं भेज देते हैं, खुद भी आ जाते हैं। दूर का वाकया नहीं है, मुख्तसर बता रहा हूँ। जौनपुर शहर है हिंदुस्तान में, आपने यहाँ माशाल्लाह हर साल मुहर्रम की 10 तारीख तक भी बयान होते हैं। बारह आपने दिगर मुकर्रीन सुना होगा, लेकिन नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, लेकिन यकीन सुना होगा। जौनपुर शहर है, वहां एक सुनार रहता है, किसी न किसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 20 साल के बाद में उसको एक बेटी अदा की थी सुनार को, चुनांचे उस बेटी, लेकिन वो बेटी हुई कैसी थी? मन्नत मानी थी कि अगर मुझे कोई औलाद दे दे तो मैं इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजाऊंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किसी को मुंह देख करके नहीं लिया जाता है, धर्म और मजहब देख के नहीं लिया जाता है, वहां से सबको दिया जाता है। अजीजा ने मोहतरम उसी नबी की आल का सदका उस सुनार के घर में मिल गया, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, 18-20 साल की हुई, घरी में तारीफ बाकी रही। 18-20 साल के बाद में उसके बाद को फिक्र हुई इसका रिश्ता कर दिया जाए, लेकिन उसी शहर में एक इंसान रहता था जो राजपूत से ताल्लुक रखता था, यानी उसने उसकी नीयत उसमें खराब थी, अपनी माँ के जरिए रिश्ता भेजा लेकिन सुनार ने मना कर दिया, तो उसने कहा कि मैं दादागिरी से तेरी बेटी को उठवा लूंगा। आखिरकार मुख्तसरन ये है, उसने कहा कि ठीक है तू उठवा के बताना। एक नेक इंसान से उनके मुतालिक गैर मुस्लिमों में ही सुनार बिरादरी में ही दूसरे
गांव में रिश्ता कर दिया गया। मुकर्रा तारीख को बारात आई, जब बारात आके वापस जा रही थी और जाने के बाद में उस बेटी के अंदर यकीनन हया थी, हजरत फातिमा की हया का सदका पाया जाता था। चुनाव बारात जा रही है, अभी गाँव के बीच बारात है, जौनपुर से रुखसत होकर उस गाँव तक पहुंच रही है, बीच में जंगल आता था, अचानक उस रात ऊंट के गुंडों ने उसने बारात पे हमला कर दिया, बराती दरार भाग गए, एक बालकी में बेटी दूल्हा और दुल्हन दोनों जा रहे थे, चुनान से उस पर हमला किया, दूल्हे को मार दिया, यानी बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है, जख्मी कर दिया और इसको ले जाना चाहते थे। अभी तक जो बच्ची खामोश रहती थी, बहुत कम गुफ्तगू करती थी, चुनान से उस वक्त बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला था, जिस घर की भीख हूँ अब वही इज्जत नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, अगर हुसैन आप जिंदा हो, तुम्हारे नाना जिंदा है तो मेरी मदद के लिए आएंगे, इतना कहना था। वो अकेली बच्ची क्या देखती है, अचानक एक इंसान घोड़े में सवार होके आता है, चेहरे पर नकाब पड़ी हुई है और हाथ में तलवार है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 100-200 साल पुरानी बात है, लेकिन शहादत पाए हुए तकरीबन 1350 साल हो चुके हैं। अजीदान मोहतरम, अचानक एक शख्स आता है, चेहरे पर नकाब पड़ी हुई है और अपनी तलवार से हमला करके उन तमाम हमला करने वालों को सुनाबूद कर देता है, कत्ल कर देता है और कहता है, बेटी हम आ गए हैं, हमें जब भी जहां भी कोई पुकारता है हम चले आते हैं, और कोई पूछे कौन आया था तो इतना ही कह देना, जिस खानदान की जिस घर की मैं भीख हूँ वही भीख देने वाले अपने भिखारियों की इज्जत बचाने आ गए थे। तो मैं कह रहा था वो चाहे तो चल के आ जाए, ऐसे आने वालों का टीका मनाना कहां से कहां तक जायज है। अजीजान मोहतरम, बेशक ईसा अलैहि सलाम के लिए जब उनका जिक्र कर रहे हैं, ये उनके लिए यहाँ से तोहफा है, उनका जिक्र करके उनकी जिंदगी उनकी सीरत पर हम अमल करें ये उनके लिए तोहफा है। महफिल सजाने का मकसद ये रही, थोड़ी देर बैठ जाए, वापस जाने के बाद जैसे थे वैसे हो जाए, बल्कि महफिल सजाने का मकसद ये है कि हम कहां गलत हैं, उन्होंने हमको क्या किरदार दिया था। आज मुझे बताओ कितने लोग यहाँ हाजिर है, कितनों ने ईशा की नमाज पढ़ी होगी, तो जवाब यही होगा चंद लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है। लेकिन मेरे इमाम हुसैन की शहादत को देखें कि इतने मसाइल, इतनी तकालीफ, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें बजाहिर किसी ने नहीं झेली है, जितनी मेरे इमाम ने बजाहिर ऐसे मुकद्दस शहर को छोड़ा है, दीन की खातिर कौन से शहर को, इस शहर की एक झलक देखने के लिए सारी दुनिया के मुसलमान बेताब रहते हैं, बेकरार रहते हैं। उस शहर का नाम है मदीनतुल मुनव्वरा, जहां गुंबद खिज्रा है, मेरे आका आराम फरमा है, मुस्तफा जान रहमत की लख्त दिगर फातिमा, इमाम हसन इमाम हुसैन की शहजाद वालदा मोहतरमा वहां तशरीफ फरमा है। उस शहर को छोड़ा इसलिए ताकि दीन बच जाए। पहुंचे कहां, मक्कतुल मुकर्रमा, आपने सफात कर लिया है, मक्कतुल मुकर्रमा में कई रोज तक रहे लेकिन वहां भी आपके लिए खुदूर कूफा से आते रहे, आखिरकार मक्कतुल मुकर्रमा को भी छोड़ दिया, जा रही है कूफा, और कूफा पहुंचने के बाद में अभी कूफा पहुंचे नहीं है, मुहर्रम की 1 तारीख को, इसी महीने की 1 तारीख को मैदान करबला में खेमे गाड़ दिए हैं और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक गुफ्तगू होती रहती है, हजरत हुसैन से बातचीत चलती रहती है। आखिरकार 7 तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफाका अहले खानदान पर पानी बंद कर दिया जाता है। एक दिन हो गया, एक रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, दूसरी रात हो गई, अभी किसी ने का पानी नहीं पिया होगा तो शरबत आ जाएगा, बात चलेगी कि मियां बयान भी होता रहे, थोड़ा शरबत भी पी ले, थोड़ा खाना भी खा ले, तवरों भी बांट दिया जाए, हमारे पास खाने पीने की अफराद है, बहुत सारे सामान है, किसी का किचन ऐसा नहीं है जिसके किचन में 1 महीने 8 दिन 10 दिन का सामान न रखा हुआ हो, हमारे सामने बहुत सारी अल्लाह की नेमत रखी हुई है लेकिन फिर भी नमाज नहीं। अतीतान मोहतरम, 3 दिन और 3 रातें छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, बड़े भूखे और प्यासे हैं, बूढ़े भूखे और प्यासे हैं, खवातीन भूखी और प्यासी हैं, ऐसे आलम में भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत शहरबानों से इरशाद फरमाया था, कब, जब 10वीं शब थी, ऐ शहरबानों तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तू माले गनीमत में आई थी, फारूक आजम ने तेरा निकाह मुझसे कर दिया था, अब आप जब से तू मेरे निकाह में आई है, तू अपने घर में रहती थी, सोने के बर्तनों में खाती और पीती थी, सोने के बिस्तर पर तू, सोने के पलंग पर तू सोती थी, फर्श पर चलने से पहले तेरे खादिमाएं तेरे आगे का फर्श साफ कर दिया करती थी, बड़े नाज और नाम से तूने अपनी जिंदगी को गुजारा है, लेकिन जिस दिन से मेरे निकाह में आई है कभी कभी तूने पेट भर के खाना खाया हो शायद, लेकिन अक्सर भूखे पेट रही है, ऐसे आलम में, लेकिन आज तो हद हो गई है, कल दिन निकलने वाला है, मुझे शहीद कर लिया जाएगा, खानदान को लूट लिया जाएगा, इस रात की तारीकी में मैं तुझसे कहता हूँ अपने बेटों को लेके जहाँ जाना
चाहती हो चली जाओ। अल्लाहु अकबर। उस बादशाह की शहजादी ने हजरत इमाम हुसैन से यूं अर्ज किया था, ए इमाम हुसैन, मैं बेशक बजाहिर जाहिरी तौर पर ईरान के बादशाह के महल में रहती थी, मेरा बाप बादशाह था, मैं बड़े नाज और नाम से पली हुई हूँ, मैंने एक नहीं एक वक्त में कितनी कितनी नेमतों खाया और पिया है, लेकिन दिली करार जो तेरी खिदमत में मिला है वो कहीं नहीं मिला है, तेरे पास मिला है कहीं नहीं मिला है। अब मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैं नबी के खानदान की बहू हूँ और आले नबी की बीवी हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब सोचिए नबी के खान नबी के नवासे के साथ उनकी बीवी का ये रवैया है, इतनी मोहब्बत और उल्फत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज फजर का वक्त हुआ, कोई तारीख में ये तो सब बताते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन और उनके घर वाले उस रात भूखे और प्यासे थे, आठवीं रात, नवीं रात और दसवीं रात और तीनों दिन भूखे और प्यासे थे, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि उन भूखे और प्यासे दिन और रातों में किसी नमाज को तर्क कर दिया हो, किसी मुसद्दे को छोड़ दिया हो, तिलावत कुरान को न किया हो। अजीजाने मोहतरम, भूखे प्यासे जरूर है, लेकिन जोहर का वक्त होता है, अजान भी होती है, नमाज भी होती है, भूखे प्यासे जरूर है, असर होती है, अजान भी होती है, नमाज भी होती है, भूखे प्यासे जरूर है, मगरिब और इशा भी होती है, भूखे प्यासे जरूर है, क्योंकि भूखे प्यासे वो इंसान को नींद नहीं आती है। अब सोचोगे इन लोगों ने सवाल किया था, तीन दिन भूखे प्यासे कैसे रह सकते हैं, हम तो रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मिसाल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। साजिद बाप अलाउद्दीन कलियरी, कलियर शरीफ में उनका मजार है, 12 साल तक कोई रिस्क का दाना खाए हुए इंसान जिंदा रहा है कि नहीं रहा है। अल्लाह हु अकबर। अजीजाने मोहतरम, जिंदगी देना किसी रोटी के हाथ में नहीं है, रोटी देने वाले के हाथ में है, शिफा देना किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। सारी दुनिया की किसी बीमार को दवाएं खिला दो, अल्लाह ना चाहे तो ठीक नहीं हो सकता है, और कोई दवा ना खिलाओ, अल्लाह चाहे तो शिफा हो सकती है। अजीजाने मोहतरम, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और आपके खानदान आपके घर वालों ने कोई नमाज के नहीं छोड़ा है, नमाज फजर के बाद में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ऐलान हुआ कि अभी मान जाओ मैं नबी का नवासा हूँ, इस रूए जमीन पर तुम्हारे नबी का नवासा और कोई नहीं है, मैं वो हूँ जिसने जिब्राइल को आते हुए देखा है, जिसके घर की खिदमत अल्लाह के फरिश्ते करने आते थे, मैं वो हूँ जिसकी खातिर अल्लाह ने जन्नत से जोड़े भेजे थे, मैं वो हूँ जिसकी माँ खातून जन्नत है, जिसका नाना नबी है और किसी का नाना नबी नहीं हो सकता है। इस बात मुझे याद आई, एक बार रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटी सी उम्र है, आज के मेरे बच्चे भी हैं, उनसे पूछ लेना बेटा तुम अच्छे हो कि हम अच्छे हैं, बेटा गूंगा हो जाएगा, जुबान नहीं खोल सकता है, 5-7 साल का बच्चा, लेकिन वारे हुसैन तू है भी कौन और तेरी परवरिश भी किसने की है, तूने आंखें खोली है तो पहले चेहरे मुस्तफा देखा है, नाम तेरा मुस्तफा ने रखा है, सबसे पहली गिज़ा तेरे मुंह में कौन सी गई है, मुस्तफा जाने रहमत ने खजूर को चबा करके सबसे पहले अपने मुंह का लुआब दहन मिली हुई खजूर इमाम हुसैन के मुंह में रखी है, क्या शान होगी। अजीजाने मोहतरम, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 5-6 साल की उम्र है, मेरे आका फरमाते हैं बेटा हुसैन इधर आओ, आ गए, कौन हुसैन जिसके रोने से मुस्तफा को तकलीफ होती है, एक रोज मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं बेटी फातिमा घर में बच्चे रो रहे हैं, इनको रोने मत दिया करो, जब ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, फिर बच्चे पास आते हैं अपने अपने दोनों जांघों पर मुस्तफा बिठाते हैं और बिठाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए अल्लाह ये मेरे नवासे हैं, मेरी दुनिया के जो फूल हैं ये नौजवान जन्नत के सरदार हैं, मैं इन नवासों से मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। ये महफिल सजाना पहचान है इस बात की कि आपको हसन और हुसैन नामी जातों से मोहब्बत है, जब उनसे मोहब्बत है तो अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है, जब तुम महफिल सजा के बैठे हो तो और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा करने के लिए, फजर की अजान की आवाज आए तो मस्जिद की तरफ आ जाना, असर मगरिब ईशा की अजान की आवाज आए तब मस्जिद की तरफ आ जाना, क्योंकि पैगाम करबला पैगाम शहदाय करबला यही तो है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अजीजाने मोहतरम, उनकी जिंदगी का एक एक पहलू आप सोचे, किसी ने पूछा हजरत इमाम ज़ैनुलाबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत इमाम हुसैन के बीच वाले शहजादे हैं, पूछा तुम्हारे वालिद रात को क्या किया करते थे, तो फरमाने लगे ईशा की नमाज के बाद सब तो अपने अपने बिस्तरों पर चले जाते थे, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर यानी इमाम हुसैन अपने मुसल्ले पे जाके रोजाना 300 रकात नफिल अदा किया करते थे। 300 रकात नफिल, क्या मैं और आप
अगर अपनी जिंदगी का मुआयना करें तो पूरी जिंदगी में भी 300 रकात नफिल नहीं पढ़े हैं। उसके बाद क्या करते थे? कहा उसके बाद तो सोने की फिक्र नहीं होती थी, बल्कि अपने घर में जाते थे और जाने के बाद वहां से आटा या चावल की बोरी अपनी पुश्त पर डालते थे, कभी मदीने में, कभी मदीने के इर्द गिर्द कबीलों में जाकर के लोगों के घरों में बोरी डाल दिया जाते थे। उन घर वालों को पता भी नहीं चलता था कौन डाल के गया है, कौन लेकर के गया है, कौन नहीं लेकर गया। लेकिन यहाँ तो मियां किसी भूखे को खाना खिलाना है, इनसे चंदा लिया मैंने और थोड़ा चंदा लेने के बाद दो चार थैलियां सामान के लिए और बाजार में गया और दो चार लोगों को बुलाया, देखो हम गरीबों को खाना दे रहे हैं जबकि अपने पास से नहीं किसी की ज़कात से दे रहे हैं, फिर भी पब्लिसिटी हो रही है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हुज़ूर फरमाते हैं बेहतर इंसान वो है, अच्छा इंसान वो है कि जिसका दाहिना हाथ सदका करे और बाएं हाथ को खबर ना हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हुज़ूर ने फरमाया 5-6 साल की उम्र में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ए हुसैन ये बताओ बेटा तुम अच्छे हो या हम अच्छे हैं? क्या कहा? बेटा हुसैन तुम अच्छे हो या हम अच्छे हैं? तो वो हुसैन है, किसी और का बेटा नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत का लख्त जिगर है, उनका नूर नजर है। अज़ीज़ाने मोहतरम अर्ज करते हैं नाना जान हम ही अच्छे हैं। आका ने फरमाया अब बात बड़ी कीमती चल रही है, बड़े ऊंचे लेवल की बात चल रही है। इमाम हुसैन से आका ने फरमाया बताओ हुसैन तुम अच्छे हो या हम अच्छे हैं? तो आका की बात हमें अर्ज करते हैं नाना जान अच्छे तो हम ही हैं। तो फरमाया मुस्तफा ने तुम अच्छे कैसे हो सकते हो, हम तो इमामुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार हमको अल्लाह ने बनाया है, सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस में नमाज हमने पढ़ाई है, अल्लाह की बारगाह में जाकर मेराज करके हम आए हैं, हम पर कुरान नाजिल हुआ है, हमारे इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, हमारे इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट के आ जाता है, तुम कैसे अच्छे हो? तो यूं अर्ज करते हैं बेशक हुसैन अर्ज करते हैं बेशक सारे कमालात आपके अंदर है कि आपके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट के आ जाता है, आपके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है, दरख्त चल के आता है, जानवर आपसे बात करते हैं, बेशक आपके कमालात हैं लेकिन फिर भी हम अच्छे हैं। आकर फरमाया अच्छा वजह बताओ तुम अच्छे कैसे हो? तो अर्ज करते हैं क्योंकि मेरे नाना मुस्तफा हैं, आपके नाना मुस्तफा आला गुफ्तगु वो इमाम हुसैन करबला के मैदान में इरशाद फरमाते हैं मैं नबी का नवासा हूँ, मेरे सिवा रूए जमीन पर कोई अल्लाह के नबी का नवासा नहीं है, तुम जिसका कलमा पढ़ते हो हर नमाज में, जिस पर तुम दुरूद पढ़ते हो मैं वो हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, मुझ पर भी दुरूद पढ़ते हो, मेरे नाना पर भी दुरूद पढ़ते हो, लेकिन तुम दाबी तुम्हारी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, तुम पहचान नहीं रहे हो। आखिरकार जालिमों ने आपकी तकरीर का जवाब तीर और तलवार से दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब सोचिए पहला दिन है यानी 10 मुहर्रम है, अब यहाँ से जंग शुरू होती है, मेरा इमाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए हैं, सबसे पहला शख्स कौन जाता है? हजरत हुर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जो 7 दिन तक इमाम हुसैन से बेहतर गुफ्तगू रहे और कोई नतीजा ना निकला, लेकिन आखिर में इमाम हुसैन की बारगाह में आकर हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे आप मुझे कबूल कर दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपको करबला के मैदान से कहीं जाने नहीं दिया है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ए हुर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा है जिसके नाम आजादी के होते हैं, जाओ तुम जहन्नम से भी आजाद हो। अल्लाह कौन हजरत अली अकबर जिनको मुस्तफा जाने रहमत से इतनी मुशाबहत थी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये शहजादा जब मदीनतुल मुनव्वरा में रहता था तो मदीने के लोग इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते थे, जिन्होंने मुस्तफा को देखा था वो अर्ज करते थे या हुसैन तुम्हारे बेटे को बाहर तो निकालो, हम उसका दीदार करना चाहते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद मुस्तफा को देखने की याद आ जाती है, वो आंखों की ठंडक मुस्तफा को देख के मिलती थी वो अली अकबर को देख के मिल जाती है, इतने हसीन और खूबसूरत ऐसा नौजवान बेटा जो मुस्तफा जाने रहमत से मुशाबहत रखता हो, इमाम हुसैन की जिंदगी का सहारा हो, वो आगे इजाजत तलब करता है अब्बा जान मुझे भी अपने ऊपर कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए, आज मेरी और आपकी माएं बहनें बेटियां घरों में रहती हैं, अल्लाह ना करे कभी हमारे ऊपर
पर ऐसी आफत आए, मुसीबत आए कि दिन की खातिर संकट आना पड़े, तो माँ बेटी कहती है बेटा तू अंदर घर में आ जा, तू बाहर मत जाना, तेरा ऐसा हो जाएगा। लेकिन अजीजाने मोहतरम इमाम हुसैन से उनका बेटा इजाजत तलब कर रहा है कहाँ जाने की, जहाँ से अभी तक कोई पलट के नहीं आया है, मैदान करबला में छोटा गया है तो शहादत पा गया है, बड़ा गया है तो शहादत पा गया है, हजरत अली अकबर ने इजाजत चाहिए, अब आप मना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फरमा रहे हैं बेटा अली अकबर ये तो बता अगर तू जाएगा और शहीद हो जाएगा तो तेरे बाद और मेरे बाद इन खेमे वालों का ख्याल कौन रखेगा। अर्ज करते हैं अब्बा जान इजाजत तो दे दे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जमीन और आसमान ने कभी मंजर नहीं देखा होगा, बाप बेटे के सर पर पगड़ी बांध रहा है कहां शहादत का नाम दिलाने के लिए। अल्लाह हू अकबर, इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर के सर पर पगड़ी बांधी और पगड़ी बांधने के बाद में तलवार डाली गले में और फरमाया जाओ बेटा ये तुम्हारे दादा हजरत अली के ज़ुल्फ़िकार है इसको लेकर चले जाओ। हजरत अली अकबर जो तीन दिन से भूखे और प्यासे हैं मैदान कारज़ार में जाके ललकारते हैं ऐ यज़ीदी आओ मेरे सामने देखो मैं कौन हूँ, हम शबी है मुस्तफा कहते हैं मुझको, सब कहां वाले जमीन वाले आसमान वाले मका वाले और ला मका वाले। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पुकारा किसी 22,000 में से इस भूखे और प्यासे शेर का मुकाबला करने की किसी में ताकत नहीं थी, उसके बावजूद आप ही खुद उनके अंदर चले गए और आपने तलवार से एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, 20 इंसानों को काटा लेकिन 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, अब हलक सूख गया था, हिम्मत जवाब दे गई थी, घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते वापस खेमे की तरफ आते हैं, अपने अब्बा जान से अर्ज करते हैं अब्बा जान देखो मेरा हलक सूखा हुआ है, काश चंद घूंट पानी के इस वक्त अली अकबर को मिल जाए तो पूरी सिपाही यजीद के लिए अकेला ही काफी हूँ। फरमाते हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ए बेटा अली अकबर मैं पानी कहाँ से लाऊं, अभी तो इस घर में छोटे छोटे बच्चे और खवातीन भी प्यासी है, हाँ इतना याद है जब तुम्हारा वालिद हुसैन प्यासा हुआ करता था तो उस वक्त तुम्हारे नाना मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत अपनी जुबान मेरे मुंह के अंदर डाल दिया करते थे, आओ मेरे पास आओ मैं नाना की सुन्नत को अदा कर लूं। हजरत अली पर करीब हुए और अपना मुंह खोला, इमाम हुसैन ने अपनी सूखी हुई जुबान उनके मुंह में डाली, अल्लाह हू अकबर, उसके बावजूद क्या करते थोड़ा थोड़ी तस्कीन मिली, उसके बाद फिर मैदान कारज़ार में जाते हैं फिर ललकारते हैं ललकारते ललकारते जब एक एक सामने आता रहा सबको अफिनार करते रहे, आखिरकार उन लोगों ने सोचा अमर बिन साद ने कहा ये शेर हैदरी है, हैदर करदार का पोता है, अगर एक एक करके पूरी दुनिया भी इसके सामने चली गई तो सबको फिनार कर देगा, इसको मारना है मार अल्लाह, इसको कत्ल करना है तो चारों तरफ से हमला कर दो। अजीजाने मोहतरम उन जालिमों ने चारों तरफ से हमला किया, आखिरकार अब हमला करने के बाद आपका कहीं हिस्सा हाथ कटा है कहीं पैर कटा है, जब आप चाहत का दाम पी लेते हैं अमर बिन साद पुकार के कहता है हुसैन अपने बेटे की लाश को ले जाओ, सोचो मैं बता ये रहा हूँ कि मेरे और आपके खानदान या गाँव में अल्लाह ना करे किसी हादसे में किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, तो इंतकाल के बाद में पूरा महल्ला पूरा खानदान सोगवार हो जाता है गम में डूब जाता है, लेकिन यहाँ एक नहीं कई जनाजे इमाम हुसैन ने उठाए हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु होगी जब पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद क्या देखा अभी जिंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी थी, आंख खोली अपने वालिद को पहचाना और कहने लगे अब्बा जान देखिए मेरे प्यास से क्या हालत हो गई है, इरशाद फरमाते हैं बेटा अली अकबर तुम परेशान मत हो, हौज़े कौसर पर नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार शहादत का दाम पी लेते हैं, हजरत अली अकबर के लाश के टुकड़ों को उठा करके एक पोटली में बांधते हैं और अपने कांधे पर डलाकर जब खेमे में डालते हैं कौन सा कोहराम मचा होगा, माने अपने इतने हसीन लख्ते जिगर की उन उस लाश के टुकड़ों को देखा होगा लेकिन मेरे हुसैन के कले पे और जिगर को तो देखो पहाड़ भी इतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत इमाम हुसैन का लख्ते जिगर है, उनका दिल है, उनका उनका हौसला है। अल्लाह अकबर, जवान बेटे की लाश को लाने के बाद आंखों से आंसू नहीं बहाते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और यूवर्स करते हैं ऐ परवरदिगार आलम अगर तू इसमें राजी है तो तेरा हुसैन भी इसमें राजी है। अभी बात चल ही रही थी हजरत कासिम है कौन इमाम हसन के शहजादे हैं, इमाम कासिम उम्र है 19 साल, 19 साल का कैसा जवान बच्चा होता है, अपनी माँ के पास जब पहुंचे तो माँ क्या कहती है मालूम है ऐ कासिम तू अभी तक जिंदा है, तू अभी तक जिंदा है, देख तो शहरबानों ने शहीदों की माँ में अपना नाम लिखा लिया है, शाही शहरबानों यानी अली अकबर की माँ कयामत के दिन सीना चौड़ा करके कहेगी मैं शहीद की बीवी और शहीद की माँ हूँ, लेकिन मेरा तो एक ही लख्ते जिगर है कासिम अभी जिंदा है, जा
आए तो तेरी लाश को देखूं मैं, तुझे जिंदा देखना नहीं चाहती हूँ, तो इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो जा। कहा मैंने अपने चचा जान इमाम हुसैन से इजाजत तो मांगी थी, लेकिन मैंने जैसे ही इजाजत मांगी उन्होंने मना कर दिया है, मैं अपने भाई हसन की इस निशानी को कैसे इजाजत दूं। आखिरकार कहा ठीक है जाओ और वापस इजाजत मांगो। जब गए इजाजत लेने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कौन है इमाम कासिम? हजरत इमाम हसन के शहजादे हैं। और इमाम हुसैन की शहजादी हजरत सकीना रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा से उनका रिश्ता हो चुका है। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमा दिया कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, मेरे भाई हसन की अकेली निशानी हो और होने वाले दामाद हो, मेरी बेटी जो भी शादी नहीं हुई है, सिर्फ रिश्ता हुआ है, वो पहले ही बेवा हो जाएगी। अचानक हजरत इमाम कासिम को याद आया कि शहादत से पहले उनके वालिद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तावीज़ दिया, तावीज़ कहा था बेटा इसको बाजू में बांध लो, जब जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो उस वक्त इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। हजरत इमाम कासिम फरमाते हैं, सोच कहते हैं कि इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। फौर अपने बाजू से उस तावीज़ को खोला और खोलने के बाद पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, बेटा कासिम एक वक्त आएगा मैदाने करबला में तुम्हारे हुसैन तुम्हारे चचा हुसैन पर बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, जब तुम्हारे चचा हुसैन आजमाइशों में घुल गिर जाए और उनको अपने खानदान को कुर्बान कर रहे हो तो उस वक्त तुम भी उन पर अपनी जान का नजराना पेश कर देना। अल्लाह हू अकबर। क्या इमाम हसन को पहले ही मालूम था? यकीनन मालूम था। वो भी क्यों ना मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो रहे हैं और आका के साथ रहना, आका का झूठा खाना और पीना कितने कमालात रखता है। हजरत अली ही से पूछ लो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज इरशाद फरमाया, ए लोगों मुझसे जो चाहो पूछ लो। तो लोगों ने ये नहीं पूछा कि हमें ये पूछना है, बल्कि एक इंसान खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अली इतना इल्म आया कहां से है, तो इतना बड़ा तुम दावा कर रहे हो, तो जो चाहो पूछ लो। अजीजानी मोहतरम, कोई टीचर केमिस्ट्री का हो तो ये कहेगा केमिस्ट्री में जो चाहो पूछ लो, इंग्लिश का हो तो कहेगा इंग्लिश में जो चाहो पूछ लो, अरबी का हो कहेगा अरबी में जो चाहो पूछ लो। लेकिन मेरे अली ने तो फरमाया था, दुनिया के तमाम उलूम में से जो तुम चाहो पूछ लो। तो लोगों में से एक खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अली इतना इल्म कहां से आया है? तो इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दिया था और गुस्ल देने के बाद जब फारिग हुआ और मैंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करने लगा, यानी हुजूर के चेहरे को मैंने गौर से देखा कि आखिरी दीदार है, तो मैंने क्या देखा, हुजूर के पलकों पर गुस्ल के दो कतरे पानी के बचे हुए थे। मैंने उनको गौर से देखने के बाद जमीन पर अपने घुटने टेके, अपने हाथों को रखा और लबों को मुस्तफा के पलकों के करीब ले गया और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल से बचे हुए पानी के उन दो कतरों को अपने लबों से चूस लिया, जैसे कि मैंने पेट के अंदर मेरे जिस्म के अंदर वो मुस्तफा जान रहमत के गुस्ल से बचे हुए पानी के दो कतरे गए हैं। अल्लाह ने सारी कायनात को अली पे रोशन कर दिया। मुझे बताओ, जब गुस्ल से बचे हुए पानी चूसने के बाद इल्म का ये आलम है, तो कभी तो हसन के मुंह में मुस्तफा की जुबान है, कभी हुसैन के मुंह में मुस्तफा की जुबान है। और सबसे पहली गिज़ा ही इमाम हसन इमाम हुसैन को मुस्तफा जान रहमत ने खजूर चबा कर मुंह में डाली है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बेशक जानते थे कि करबला में क्या होने वाला है, मेरा भाई हुसैन कहां शहीद होने वाला है, तो अभी तो उन्होंने ये वसीयतनामा तालीफ की शक्ल में हजरत इमाम हसन के अपने बेटे हजरत इमाम कासिम को दिया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत इमाम कासिम ने वो तावीज वो वसीयतनामा इमाम हुसैन के सामने पेश किया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर हो गए और फिर फौरन इजाजत दे दी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ऐसे ही इजाजत दी और उनकी वालिदा ने उनसे कहा, बेटा जाओ और तुम जाने के बाद में कारनामे दिखा करके आओ। इमाम कासिम मदारे कारनामे में जाते हैं, बेपनाह लोगों को फिनार करने के बाद शहादत का काम पी लेते हैं। उसके बाद में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई पुकार कर कहता है, ए हुसैन आओ अपने जवान
امام بتیجے قاسم کی لاش کو لے کے چلے جاؤ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک نہیں دو نہیں 71-72 یعنی 71 یا 72 تمام لاشوں کو میرے حسین نے اٹھایا صبح سے دوپہر تک ایک ہی دن میں آدھے دن میں اتنی لاشوں کو اٹھانے کے بعد بھی جب اپنی باری آتی ہے میدان کارزار میں جاتے ہیں لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں اور میرے حسین کے جسم پر بروایت مختلف 86 یا 91 یا 108 یا 124 زخم ہے. اس حالت میں خون رس رہا ہے اور جام الگ ہے جب آپ گھوڑے سے نیچے آئے ہیں اس کے بعد بھی نہ جان بچانے کی فکر ہے نہ اپنے خاندان کی فکر ہے. فکر ہے تو یہ کہ اب سب سے پہلے میں کروں تو کیا کروں, رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں. عزیزان محترم اتنے تکالیف اٹھانے کے بعد بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھتیجوں بھانجوں اور بیٹوں اور بھائیوں کو شہادت کے بعد میں بھی فکر ہو رہی ہے تو سجدے کی ہو رہی ہے. میں نہ تو تم سے اسلام اپنے بیٹوں کی قربانی مانگ رہا ہے نہ اسلام تم سے مال کی بڑی قربانی مانگ رہا ہے. اگر اسلام کہہ رہا ہے تو یہی حی علی الصلاح آ جاؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف. یعنی نماز میں کامیابی ہے لیکن ہم کامیابی بازار میں تلاش کر رہے ہیں, خرافات میں تلاش کر رہے ہیں. ہمارے بچے رات رات بھر گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں, خرافات کرتے رہتے ہیں, موبائل میں لگے رہتے ہیں. مجھے بتاؤ اگر کوئی پنج وقت نماز ہو تو پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اس کی زندگی کا 24 گھنٹے میں سے مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹہ نماز میں جاتا ہے. 22.5-23 گھنٹے انسان پھر بھی فری ہے, ان میں سو بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, معاملات بھی طے کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے. کیا 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے؟ قیامت کا دن ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ وہاں نہ بیٹی کام آئے گی, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ تمہارا کاروبار کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. لیکن ہاں ان سے محبت کی ہوگی, ان کی سیرت پہ عمل کیا ہوگا, ان کے نقش قدم پر چلے ہوگے. عزیزان محترم یقیناً وہ 50,000 سال کا ایک دن مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلاموں کے لیے, ان کی اطاعت کرنے والوں کے لیے, ان کی سیرت کو بنانے والوں کے لیے اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے. عزیزان محترم لیکن کیا کریں, ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ اگر ہم موبائل میں بیٹھ جائیں ہم ٹی وی دیکھنے لگے مووی دیکھنے لگے 3-3 گھنٹے کا گزر جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ہے. لیکن نماز میں تھوڑا وقت بھی لمبا لگتا ہے. آپ کے اور میرے گھر میں مہمان آتا ہو, مہمان آنے کے بعد میں کئی مہمان تو ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ اور رکے رہے اور رکے رہے, ان کے جانے کو ان کو بھیجنے کو جی نہیں چاہتا ہے. آپ کے گھر میں ان سے رونق ہوتی ہے, آپ کے گھر میں ان سے برکت ہوتی ہے. آپ چاہتے ہو کہ دونوں وقت آپ کے ساتھ کھائیں اور پیئیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ سے بات کریں. یعنی مہینوں مہینوں بھی ان کو بھیجنے کو جی نہیں چاہتا ہے. پر ایک مہمان ایسا ہوتا ہے معلوم ہو جائے کہ فلاں آنے والا ہے تو ہم کہیں جانے کا پری بلانے کر لیتے ہیں. وہ آ تو رہا ہے, اس کے آنے سے تو ایسا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں پسند کرتے ہو تو اپنے ساتھ رکھتے ہو, کچھ لوگوں کو اپنی زندگی پسند نہیں کرتے ہو تو ان کو دور ہی رکھتے ہو. بلا تمثیل اللہ تم کو پسند کرتا ہے تو اپنے گھر میں بلاتا ہے, اللہ تم کو پسند کرتا ہے اپنے نبی کی محفلوں میں بلاتا ہے, اور جس کو پسند نہیں کرتا ہے وہ محفل سے بھی دور رہتا ہے, مسجد سے بھی دور رہتا ہے. چاہتے ہو کہ اللہ تم کو پسند کرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. عزیزان ملت اسلامیہ یہ معائنہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ محفل سجانے کے بعد زندگی میں کتنا انقلاب آیا. محفل سجانے سے پہلے حرام کھاتا تھا, حرام کھانا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے. محفل میں جانے سے پہلے برابر جھوٹ بولتا تھا, جھوٹ سے پرہیز کیا ہے کہ نہیں کیا ہے مجھے آپ کو طے کرنا ہے. عزیزان محترم بے شک حسین سے محبت کرنا چاہیے لیکن ایسی محبت کہ جب سجدے کا وقت آئے تو حسین کے سجدے کو یاد کیا جائے, جب مصیبت آئے امام حسین کی مصیبتوں کو یاد کیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال ارشاد فرمایا تھا اپنی امت سے اپنے صحابہ سے, اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت, ایک قرآن ایک اہل بیت. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر گھر میں کتنی دیر تلاوت ہوتی ہے, کیا میری بیٹیاں گھر میں تلاوت کرتی ہیں؟ جواب ہوگا نہیں. سو کے اٹھنے کے بعد چھوٹا ہو یا بڑا آپ کھلتے ہی موبائل کی طرف ہاتھ جاتا ہے, کتنے میسج آئے ہیں کتنے نہیں آئے ہیں, کس کا کال ہے, نمبر نیا ہے, کس نے کیا ہوگا, فکر ہونے لگتی ہے. تمہارے گھر میں میسنجر ایک اور رکھا ہوا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے جنت پالو گے, ایسا کرو گے جنت نہیں پاؤ گے. قرآن تمہارے لیے ایک زندگی جینے کا بہترین نسخہ ہے. تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ قرآن سکھاتا ہے, کھانے پینے کا طریقہ قرآن سکھاتا ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں قرآن سکھاتا ہے. قرآن سے محبت کرنا اللہ کو پسند ہے, قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو پسند ہے, لیکن ہم قرآن سے دور ہیں. اگر کچھ قرآن سے دل کی تلاوت کرنے والے گھر میں قرآن رکھا ہونے کے باوجود موبائل میں تلاوت کرتے ہیں, عزیزان ملت اسلامیہ مجھے بتا
बताओ मोबाइल चला चला कर कोई आसमान में पहुंचा हो हम किस तरक्की नहीं पाई होगी। लेकिन हाँ मुस्तफा जाने रहमत की इताअत करने के बाद कोई तो गरीब नवाज बन गया है। 800 साल से ज्यादा मिसाल किए हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर दुनिया के लिए एक ऐसा नमूना है गरीब नवाज की दाद। कोई सवाल करे मेरे मुस्तफा की दाद पर तो गरीब नवाज जवाब देते हुए नजर आते हैं। अमली तौर पर या जुबानी तौर पर कोई एतराज करे हुसैन की मोहताजी पर मान अल्लाह के हुसैन मान अल्लाह मोहताज थे के मैदान करबला में पानी न निकाल सके तो उनके दूर के नवासे ने कई सौ साल बाद आने वाले ने दुनिया को बता दिया कि उनका बहुत दूर का नवासा जिसका नाम मोइनुद्दीन है उसकी ताकत का भी आलम है कि बड़े से तालाब को दरिया को एक कासे में समो सकता है तो उनकी ताकत का आलम क्या होगा। लेकिन वहां मामला कुछ और था, वहां सब्र था, इम्तिहान था, वहां इम्तिहान देना था और यहाँ इम्तिहान का रिजल्ट था। अज़ीज़ान मोहतरम ये अहले सुन्नत वल जमात ये लावारिस नहीं है, इनके बहुत सारे आका है। कोई गुंबद-ए-शिरा में सारे आकाओं का आका रहा फरमा है और उनके तमाम गुलाम कोई सिद्दीक अकबर की शक्ल में फारूक आज़म उस्मान अली मौला अली की शक्ल में और फिर शहंशाह कर्बला हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हम जब गमज़दा होते हैं वो नारा लगाते हैं या हुसैन का तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है। सोचो तो सही कि 1000 साल गुजरने के बाद भी हम टूटे फूटे गुनहगार बदकार होकर के उनके नाम का नारा लगाते हैं तो हमारे अंदर ये ताकत आ जाती है। तो खुद बताते खुद अल्लाह ने उस हुसैन के बाजुओं में उसके दिल में उसके जिगर में अल्लाह ने कितनी ताकत रखी होगी अंदाजा खुद लगाइए। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत इमाम कासिम की शहादत के बाद अब हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा कौन है? वो हजरत इमाम हुसैन की शहजादी है। वो अपने चचा हजरत अब्बास की बारगाह में यूं अर्ज करती है, ए चचा जान भाई असगर की प्यास उसे देखी नहीं जाती है, प्यास से तड़प रहा है, हालत सूख चुका है, माँ की छाती का दूध भी खुश्क हो चुका है, जाइए पानी लेके आइए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार हुए, मशकीला कांधे पे डाला और नहर फरात की तरफ पहुंचे। लड़ते हुए नहर फरात पहुंच गए और पहुंचने के बाद अपने मशकीले को भर लिया और वापस आने लगे। अमर बिन साद ने ऐलान किया, लोगों अगर ये अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी का मशकीला लेकर खेमे में पहुंच गए और इमाम हुसैन के घर वालों को उनके शहजादों को उनके रुफाका को चंद कतरे अगर पानी मिल गया तो लड़ते लड़ते तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, जाओ इससे पहले ये पानी का मशकीला लेकर खेमे में पहुंचे चारों तरफ से हमला कर दो। आखिरकार जंग होती रही। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि भतीजी से वादा करके आए थे और अपनी एक बाजू पर मशकीला पड़ा हुआ था, सामने जालिम आए उन्होंने लड़ते रहे, पीछे से एक जालिम ने वार किया, आपका दायां बाजू कट गया तो आपने फौरन उस मशकीले को उसी के हाथ में ले लिया। लड़ते लड़ते फिर जाने की कोशिश की, पीछे से एक और जालिम ने वार किया, आपका बायां बाजू भी कट गया, फौरन आपने उस मशकीले को मुंह में दबा लिया और दौड़ने की कोशिश की। जालिम ने एक तीर ऐसा चलाया कि मशकीले को छेदता हुआ आपके जिस्म के पार हो गया और जमीन पर नीचे आ गए। थोड़ी देर के बाद में आप भी शहादत पा जाते हैं। अल्लाह अकबर। पानी न ले जा सके, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अभी जिंदगी की चंद सांसें बाकी थी। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, इमाम मैं बच्ची सकीना से पानी का वादा करके आया था पर पानी न ले जा सका, मैं उससे माफी चाहता हूँ, मेरी मां को पेश कर देना। अज़ीज़ान मोहतरम ये दिल बहुत सख्त है हमारा और आपका, सिर्फ सुनता है अमल करने की कोशिश नहीं करता। सोचिए ढोल ताशे शायद आप लोग बजाते हो, मुझे नहीं पता, अगर बजाते हो तो मुझे बताएं, मेरे और आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या बाहर ढोल ताशे बजते हैं या गम का माहौल होता है? एक बात, मैदान करबला में इमाम हुसैन का कोई एक शहजादा या कोई उनका रफीक या कोई जानिसार या उनके खेमे का कोई फर्द ढोल बजा रहा था, ताशे बजा रहा था या उनका खेमा कैदी होकर के उनका खानदान कैदी की हालत में पहले कूफा, कूफा से दमिश्क और दमिश्क से फिर मदीना आया इस हालत में। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम मामलात बड़े अजीब हैं। हम मतलबी जिंदगी जीते हैं, हम किसी के साथ एहसान भी करते हैं तो मतलब के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला से वापस तशरीफ लाने के बाद जब मदीने में रहे ज़ालिमों ने सुकून से वहां भी ना रहने दिया तो मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा के बीच में खेमे गाड़ के रहने लगे, एक बस्ती आबाद की वहां एक खेमे में तशरीफ फरमाते। और जमाना था वो जब तमाम कातिलाने हुसैन से बदला ले रहा था मुख्तार सफी
उस दौरान एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तबारक व तआला तशरीफ फरमाते। खैमे में पहुंचा, उसे नहीं पता खैमा किसका है। खैमे में दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है कौन है, तो कहने लगा मैं प्यासा हूं, प्यासा, पानी चाहिए। आपने अंदर बुलाया, उसको बिठाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाहें झुकी हुई थी, आपने अपने मशकी से पानी लिया एक प्याला और आने वाले मुसाफिर को पानी पिला दिया। फरमाया और पियोगे, कहने लगा हाँ और पीऊंगा। वो पी लिया दूसरा प्याला भी, फिर पूछा और पियोगे, कहने लगा हाँ और पीऊंगा। तीन प्याले पानी पिलाने के बाद आपकी निगाहें नीची रही और बैठे रहे, जिक्र अज़कार मसरूफ रहे। तो जब जाने लगा वो बाहर निकल गया, फिर पलट के आया और कहने लगा ए ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो आपने फरमाया आपका मकसद पानी पीना था, पानी मिल गया, आप जाइए। कहा नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। तो फरमाया मैंने आपको पानी पिला दिया, आप जाइए। तीसरी मतलब फिर कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना। तो फरमाने लगे आह लेकर के जालिम, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, तू वही जालिम है जिसने मेरे भाई अली असलम को तीर मारा था, तेरा नाम शिमर दिलदोशन है, तू वही जालिम है जिसने मेरे वालिद के सर को तंग से जुदा किया था, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मेरे खानदान वालों को तुझे तीर बरसाए थे। तो वो कहने लगा ए ज़ैनुल आबिदीन, मैं अभी भागा हुआ मुसाफिर हूँ और मेरे पीछे दुश्मन की फौज पड़ी हुई है और मैं प्यासा हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए हो, चाहो तो अपने गुलामों को हुक्म देकर मुझे सजा दिलवा सकते हो, लेकिन मैंने तुमसे पानी मांगा फिर भी पानी पिला दिया। एक हम थे कि तुम्हें हमने पानी नहीं पिलाया था, तो जवाब दिया था मेरे इमाम ने, इरशाद फरमाते हैं ए जालिम, अहले बैत के मुकद्दस लोगों पर पानी बंद करना तुम्हारे घर की रीत थी और अपने दुश्मनों को पानी पिलाना हमारे घर की रीत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बताइए जब वो अपने दुश्मनों को मुसीबत में देखना गवारा नहीं कर सकते हैं, तो तुम तो उनके नाम की महफिल सजा के बैठे हो, उनके नाम पर वक्त देकर बैठे हो, इसमें चार चांद अगर लगाना है तो उनके सजदे पे भी अमल कर लो, उनके ईसार पर भी अमल कर लो, उनकी जुबान की सदाकत पर भी अमल कर लो। ये जो नौजवानों में खुराफात होती है, बिलखुसूस इन 10 दिनों में, शायद इस गांव में आते हो या ना आते हो, एक इंसान को जानवर बना दिया जाता है और उसको शेर का नाम देते हैं, पता नहीं अल्लाह ना करे यहाँ आते हो, अगर आते हो तो अगर जरा भी ईमान वाले हो तो डंडे मार मार के अपनी गलियों से भगाओ उन तालिबों को, उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया हुआ है। लेकिन यही नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, नमाज पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन वो इंसान जिसको अल्लाह ने इंसान बनाया है, अल्लाह के बनाए हुए इंसान बनने पर वो एतराज करके जानवर बन के घूम रहा है, हम वाह वाह करके उसके पीछे पीछे ढोल ताश बजाते हैं, हमारे घर की बेटियां बच्चियां बाहर निकलती हैं बेपरदगी के आलम में, क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? हरगिज नहीं देता है। चाहते हो कि इस महफिल का फैज हमें और हमारी आल को मयसर हो, हमारी औलाद को मयसर हो, तो महफिल सजाने के साथ साथ उनकी तालीमात पे अमल करना होगा। जो हुजूर का फरमान है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के ला रहा हूँ, अहले बैत और कुरान, तो अहले बैत यानी उनकी उनकी सीरत को अंतरी उतारा जाए और अहकाम कुरान पर अमल किया जाए, इसी का नाम पैगामे शोहदाए करबला है, इसी का नाम पैगामे करबला है, इसी का नाम पैगामे अहले बैत है और इसी का नाम पैगामे मुस्तफा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही माना में इन नुकूस कुदसिया की सीरत को अपनाने के बाद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में इस महफिल को हमारे लिए नजात का जरिया बनाए, जो कुछ भी कहा है उसको लग्जिशें हुई हो अल्लाह अपने महबूब के सदमे माफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा तुबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद